शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूत ग्रामं चेतसः माम चेवान्तः शरीरस्थं तान विद्या आसुर निश्चयान्। सात्विक पुरुष देवताओं को पूछते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को और तामस पुरुष भूत और प्रेतों को पूछते हैं। जो लोग दंभ है और अहंकार से युक्त होकर कामना आसक्ति और बल के अभिमान पर शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपते हैं तथा जो मूर्ख शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर इंद्रिय और मन आदि के रूपों में परिणत हुए पांचों पृथ्वी जल आदि स्थूल भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतरात्मा को भी व्यर्थ कष्ट देते हैं, उन अज्ञानियों को आसुरी स्वभाव वाला जान। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका चित्त भूतों प्रेतों जैसे तामसी स्वभाव में परिणत हो जाता है और शुद्ध परब्रह्म परमात्मा के उपासक उसको प्राप्त होते हैं, अर्थात वे शुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होते हैं। संगति शंका। योग के आठ अंगों में से केवल पांच अंगों का साधन पाद में वर्णन किया गया, धारणा ध्यान और समाधि का क्यों नहीं किया? उत्तर, पहले पांच अंग समाधि के साक्षात साधन नहीं बहिरंग साधन है, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है, इसलिए इनका विभूति पाद में लक्षण किया, इसी को अगले सूत्र में बतलाते हैं। त्रय मंत्रंग पूर्वेभ्यः शब्दार्थ त्रयम् अंतरंगम बराबर ये तीनों अंतरंग हैं, पूर्वेभ्य बराबर पहलों से। अन्व्यार्थ पहलों की अपेक्षा से तीनों अंतरंग हैं। व्याख्या पहले पाद में बताए हुए यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की अपेक्षा ये तीनों धारणा ध्यान और समाधि संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग हैं। वही धारणादि का विषय है, इसलिए समान विषय होने से धारणादि तीनों संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग है और यम नियम आदि पांचों यद्यपि चित्त को निर्मल बनाकर योग के उपयोगी बनाते हैं तथापि समान विषय न होने से बहिरंग हैं, इसलिए इन पांचों को साधन पाद और धारण आदि तीनों को विभूति पाद में वर्णन किया। संगति ये धारण आदि तीनों भी निर्भीत समाधि की अपेक्षा से बहिरंग है, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य शब्दार्थ तत अपि बराबर वह भी, बहिरंगम बराबर बाहर का अंग है, निर्बीजस्य बराबर असंप्रज्ञात समाधि का। अन्व्यार्थ वह धारणा ध्यान समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि का बाहर का अंग है। व्याख्या ये धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात समाधि के अर्थात सबीज समाधि के अंतरंग है पर असंप्रज्ञात के ये बहिरंग साधन है, अर्थात जिस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार परंपरा से उपकारक होते हुए भी समान विषय न होने से संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है, उसी प्रकार धारणा ध्यान समाधि परंपरा से उपकारक होते हुए भी समान विषय न होने से असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। संगति अब यह शंका होती है कि गुण की वृत्ति चलायमान है, अर्थात वह एक क्षण भी बिना परिणाम नहीं रहती, चित्र त्रिगुणात्मक है, निर्बीज समाधि में जब चित्त निरुद्ध हो जाता है
तब उसका परिणाम कैसा होता है? इसका संक्षेप से वर्णन करते हैं। परिणाम तीन प्रकार के हैं: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। ये तीनों परिणाम तीनों गुणों से उत्पन्न हुए सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। जिसमें ये परिणाम होते हैं उसको धर्मी कहते हैं और वे परिणाम धर्म कहलाते हैं। निरपेक्ष धर्मी केवल कारण रूप प्रकृति है, अन्य उसके सब विकार महत तत्व से लेकर पांचों स्थूल भूत पर्यंत सापेक्ष धर्मी है। इन धर्मियों में जिस प्रकार ये तीनों परिणाम होते हैं उनको उदाहरण देकर समझाते हैं। पहला, धर्म परिणाम। जैसे मिट्टी के गोले बनाकर कुंभकार नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, यहां मिट्टी द्रव्य धर्मी है। उसमें नाना प्रकार के बर्तन के आकार जो क्रम के बदलने से हो गए हैं धर्म है। मिट्टी धर्मी ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। इनमें से एक धर्म का दबना, दूसरे धर्म का प्रकट होना मिट्टी धर्मी का धर्म परिणाम कहलाता है। दूसरा, लक्षण परिणाम। ऊपर बतलाए हुए धर्म परिणाम में बर्तन मिट्टी का एक नया आकार है। यह आकार उसमें छिपा हुआ था, अब प्रकट हो गया। उस छिपे हुए धर्म का प्रकट होना अर्थात भविष्य से वर्तमान में आना लक्षण परिणाम है। बर्तन का आकार प्रकट होने से पहले धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था, जब तक प्रकट नहीं हुआ था तब तक वह अनागत लक्षण वाला था। जब प्रकट हो गया तब वर्तमान लक्षण वाला हो गया, और जब टूटकर मिट्टी में मिल गया तब भूत लक्षण वाला हो गया। इस प्रकार काल भेद से धर्मी के तीन लक्षण होते हैं। तीसरा, अवस्था परिणाम। ऊपर बतला आए हैं कि बर्तन का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। यह बर्तन ज्यों-ज्यों जीर्ण होता चला जाता है कि हाथ लगाने से ही टूटने लगे, तो उस समय जीर्ण होने की अवस्था प्रतिक्षण होती रहती है। इस कारण उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। इन परिणामों में धर्म और लक्षण परिणाम वस्तु के उत्पत्ति समय में होता है। अन्य कई दर्शनों में गुण और गुणी को धर्म और धर्मी कहा गया है, परंतु योग दर्शन में धर्म धर्मी शब्द कार्य कारण अर्थ में लाए गए हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारियो, अभिभव प्रादुर्भावो, निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध परिणामः। शब्दार्थ, व्युत्थान निरोध संस्कारियो बराबर व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का, अभिभव प्रादुर्भावो बराबर दबना और प्रकट होना, निरोध क्षण चित्त बराबर यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का, अन्वय बराबर अनुगत अर्थात संबंध होना है। निरोध परिणामः बराबर वह निरोध परिणाम कहा जाता है। अन्व्यार्थ, व्युत्थान के संस्कार का दबना और निरोध के संस्कार का प्रकट होना, यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का दोनों संस्कारों में अनुगत होना है, यह निरोध परिणाम कहा जाता है। व्याख्या, निरोध। व्याकरण की रीति से यदि नी पूर्वक रुद्ध धातु के आगे करण में घन प्रत्यय माने तो निरोध शब्द का अर्थ पर वैराग्य होता है, और यदि भाव में प्रत्यय माने तो निरोध शब्द का अर्थ रुकना है। इसलिए सूत्र में पहले निरोध शब्द का अर्थ पर वैराग्य है, दूसरे निरोध शब्द का अर्थ किसी वृत्ति का उदय न होना अर्थात सब वृत्ति का रुक जाना, और तीसरे निरोध पद का अर्थ पर वैराग्य का संस्कार जानना चाहिए। अभिभव, कार्य करने की सामर्थ्य से रहित निर्बल रूप से रहना, वर्तमानावस्था से भूतावस्था में जाना। प्रादुर्भाव, अनागतावस्था से वर्तमान काल में प्रकट रूप से आना। निरोध क्षण चित्तान्वय, निरोध काल में होने वाले धर्मी चित्त का अपने धर्म व्युत्थान और निरोध के संस्कारों में अनुगत होना।
योग की सिद्धियों की व्याख्या करने की इच्छा से सूत्रकार संयम का विषय शोधने के लिए क्रम से तीन परिणामों को कहते हैं। निरोध परिणाम, चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणामी है, उसमें प्रतिक्षण वृत्ति रूप परिणाम हो रहा है। निर्बीज समाधि में व्युत्थान की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, उसको इस प्रकार समझाते हैं, चित्त धर्मी है, व्युत्थान तथा एकाग्रता के संस्कार उसके धर्म है, ये संस्कार वृत्ति रूप नहीं है, जैसा कि व्यास भाष्यकार ने कहा है। व्युत्थान संस्कारश चित्त धर्मा न ते प्रत्यय आत्मकाः इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। व्युत्थान के संस्कार चित्त के धर्म है, प्रत्यय आत्मक अर्थात वृत्ति रूप नहीं है, इसलिए वृत्तियों के रुकने पर ये संस्कार नहीं रुकते, धर्मी चित्त में बने रहते हैं। इन दोनों संस्कार रूपी धर्मों में से एक धर्म का दबना, दूसरे का प्रकट होना चित्त रूपी धर्मी का धर्म परिणाम है। निरोध क्षण चित्त के अंदर उस समय यह परिणाम होता है कि व्युत्थान के सारे संस्कार अभिभूत होते हैं और निरोध के संस्कार प्रादुर्भूत होते हैं। शंका, वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं, जैसे व्युत्थान की वृत्तियों से व्युत्थान के संस्कार, समाधि की वृत्तियों से समाधि के संस्कार, एकाग्रता की वृत्तियों से एकाग्रता के संस्कार और सब वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसकी वृत्तियों से पर वैराग्य के संस्कार उत्पन्न होते हैं, इसलिए वृत्तियां ही संस्कारों के कारण हैं। निरोध अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में जब पर वैराग्य की वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, तब उसके कार्य निरोध के संस्कार कैसे शेष रह जाते हैं? समाधान, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान। निमित्त कारण के अभाव से कार्य का अभाव नहीं होता, केवल उसके आगे की उत्पत्ति बंद हो जाती है, किंतु उपादान कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है। वृत्तियां संस्कारों की निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। संस्कारों का उपादान कारण चित्त है, इस उपादान कारण को ही सांख्य तथा योग की परिभाषा में धर्मी कहते हैं और उसके कार्यों को धर्म। संगति, उस निरोध संस्कार का फल कहते हैं। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। शब्दार्थ, तस्य बराबर उसका, प्रशांत वाहिता बराबर प्रशांत बहना, संस्कारात् बराबर निरोध संस्कार से। अन्वयार्थ, निरोध संस्कार से चित्त की शांत प्रवाह वाली गति होती है। व्याख्या, प्रशांत वाहिता, निरोध संस्कार के अभ्यास से जब निरोध संस्कार प्रबल होता है, तब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और व्युत्थान संस्कार रूप मल से रहित जो निर्मल निरोध संस्कारों की परंपरा प्रवृत्ति होती है, यही चित्त का प्रशांत या एक रस बहना चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति है। भाष्यकार इस सूत्र का आशय यह बतलाते हैं कि निरोध संस्कारों के अभ्यास को दृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे चित्त की प्रशांत वाहिता स्थित हो जाए, क्योंकि निरोध के संस्कार मंद होते ही व्युत्थान के संस्कार उनको फिर दबा लेते हैं। संगति, निरोध परिणाम बताकर अब चित्त में समाधि परिणाम बताते हैं। सर्वार्थते एकाग्रत्यो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। शब्दार्थ, सर्वार्थता एकाग्रत्यो बराबर सर्वार्थता और एकाग्रता का, क्षय उद्यो बराबर क्षय और उदय होना, चित्तस्य समाधि परिणामः बराबर चित्त का समाधि अवस्था में परिणाम है। अन्वयार्थ, चित्त के सर्वार्थता और एकाग्रता रूप धर्मों का नाश होना और प्रकट होना चित्त का समाधि अवस्था में परिणाम है। व्याख्या, सर्वार्थता, सब विषयों की ओर जाना, यह शब्द चित्त की विक्षेप अवस्था के लिए यहाँ आया है। विक्षेप अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है, पर रजोगुण बना रहता है,
और अपने कार्य करता रहता है। यह अवस्था समाधि के आरंभ काल में होती है। एकाग्रता समाधि की अवस्था जिसमें चित्त सब विषयों को त्याग कर एक विषय पर टिकता है, अर्थात एक ही सहारा होने पर सजातीय प्रवाह में परिणत होना चित्त की एकाग्रता कहलाती है। विक्षिप्तता और एकाग्रता दोनों चित्त के धर्म है। चित्त धर्मी दोनों में अनुगत है। जब विक्षिप्तता का धर्म दबता है और एकाग्रता का धर्म प्रकट होता है, तब इस प्रकार दोनों धर्मों में अनुगत धर्मी चित्त में समाधि परिणाम अर्थात संप्रज्ञात समाधि काल में होने वाला चित्त का परिणाम है। चित्त का यह एकाग्रता का आकार धारण करना चित्त में धर्म परिणाम है। यह एकाग्रता रूप चित्त धर्मी का वर्तमान लक्षण परिणाम है। समाधि परिणाम और निरोध परिणाम में भेद। निरोध परिणाम से समाधि परिणाम में यह भेद है कि निरोध परिणाम में व्युत्थान के संस्कारों का अभिभव और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है और समाधि परिणाम में संस्कार जनक जो व्युत्थान अर्थात सर्वार्थता रूप चित्त का विक्षेप है उसका क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय होता है, अर्थात प्रथम संप्रज्ञात में व्युत्थान का क्षय और एकाग्रता का उदय किया जाता है, फिर असंप्रज्ञात में निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव से व्युत्थान के संस्कारों का भी तिरोभाव होता है। संगति समाधि अवस्था में जब विक्षिप्तता बिल्कुल दब जाती है, तब चित्त की समाहित अवस्था में एकाग्रता परिणाम बताते हैं। ततः पुनः शांतो दित्तो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। शब्दार्थ ततः पुनः बराबर तब फिर शांत उदितो बराबर शांत और उदय हुई तुल्य प्रत्यय बराबर समान वृत्तियां चित्तस्य एकाग्रता परिणामः बराबर चित्त का एकाग्र परिणाम है। अन्वयार्थ तब फिर समान वृत्तियों का शांत और उदय होना चित्त का एकाग्रता परिणाम है। व्याख्या समाहित चित्त की वृत्ति विशेष ही एक प्रत्यय कहलाती है। यह अतीत मार्ग में प्रविष्ट हुई शांत और वर्तमान मार्ग में बर्तती हुई उदित कहलाती है। यह दोनों ही चित्त के समाहित होने के कारण तुल्य अर्थात एक विषय को ही आलंबन करने से सदृश प्रत्यय हैं। इन दोनों में समाहित चित्त का अन्वयी भाव से रहना एकाग्रता परिणाम कहलाता है, अर्थात समाधि परिणाम के अभ्यास बल से जब चित्त का विक्षेप बिल्कुल बदल जाता है, तब वह समाहित हो जाता है। इस अवस्था में भी चित्त बराबर बदलता रहता है, किंतु जिस प्रकार विक्षेप में एक वस्तु को छोड़कर दूसरी को पकड़ता था, इस प्रकार समाहित अवस्था में नहीं होता। चित्त के बदलने के कारण वृत्तियां बदलती तो हैं, पर जैसी वृत्ति दबती है वैसी ही उदय भी होती रहती है। यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम है। समाधि के भंग होने तक एकाग्रता प्रबल होती रहती है, उसके पश्चात दुर्बल होती जाती है। यह उसकी अवस्था का बदलना अवस्था परिणाम है। सावधानी संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति से ही योगी अपने आप को कृत कृत्य न मान बैठे, किंतु व्युत्थान के विक्षेप की निवृत्ति के लिए असंप्रज्ञात समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए। संगति अप्रसंग से चित्त के सदृश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम बताते हैं। एतेन भूतेन्द्रिये एषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याक्ताः। शब्दार्थ एतेन बराबर इससे ही भूत इंद्रियेषु बराबर भूत और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणामः व्याख्याता बराबर धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम व्याख्यान किए हुए जानने चाहिए। अन्वयार्थ चित्त के परिणाम से ही भूतों और इंद्रियों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम व्याख्या किए गए जानने चाहिए। व्याख्या जिस प्रकार चित्त के धर्म लक्षण
और अवस्था परिणाम होते हैं। इसी प्रकार पांचों भूतों और इंद्रियों में समझना चाहिए। यद्यपि पूर्व चार सूत्रों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम का नाम नहीं लिया गया है, तथापि उनमें चित्त के ये परिणाम दिखलाए गए हैं। यहाँ उनको संक्षेप से बतलाते हैं। पहला, धर्म परिणाम। धर्मों के अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर उसके अन्य धर्म की प्राप्ति होना धर्म परिणाम है। चित्त में धर्म परिणाम। धर्मी चित्त के दो धर्म व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार में से व्युत्थान संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का प्रकट होना धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है। इसी प्रकार धर्म के प्रकट होने में धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है। भूतों में धर्म परिणाम। पृथ्वी का उदाहरण। मृत्तिका रूप धर्मी का पिंड रूप धर्म को छोड़कर घट रूप धर्म को स्वीकार करना उसका धर्म परिणाम है। इंद्रियों में धर्म परिणाम। नेत्रेंद्रियों का उदाहरण। धर्मी नेत्र का अपने धर्म नील पीत रूप आदि विषयों में से एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप का आलोचन ज्ञान धर्म परिणाम है। लक्षण परिणाम। काल परिणाम को लक्षण परिणाम कहते हैं। वह तीन भेद वाला है, अनागत, उदित और अतीत। प्रत्येक धर्म इन तीन लक्षणों से युक्त होता है। किसी धर्म का वर्तमान काल में प्रकट होने से पहले भविष्यत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। उस धर्म का भविष्य काल को छोड़कर वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लक्षण परिणाम है और वर्तमान काल को छोड़कर भूतकाल में छिप जाना अतीत लक्षण परिणाम है। धर्मी चित्त के निरोध परिणाम में उसके दोनों धर्म व्युत्थान संस्कार तथा निरोध संस्कार इन तीनों लक्षणों से युक्त हैं। उनमें से व्युत्थान संस्कार का वर्तमान लक्षण को छोड़कर धर्म भाव को न त्यागते हुए अतीत काल में छिप जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। इसी प्रकार निरोध संस्कार का अनागत मार्ग को छोड़कर धर्म भाव को न छोड़ते हुए वर्तमान काल में प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। चित्त के समाधि परिणाम में उसके धर्म सर्वार्थता और एकाग्रता दोनों लक्षण वाले हैं। उनमें से सर्वार्थता का वर्तमान लक्षण को त्याग कर धर्म भाव को न छोड़ते हुए अतीत लक्षण को प्राप्त होना उसका अतीत लक्षण परिणाम है और एकाग्रता धर्म का अनागत लक्षण को त्याग कर धर्म भाव को न छोड़ते हुए वर्तमान लक्षण में प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। मृत्तिका के घट रूप धर्म का प्रकट होने से पहले अनागत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। इसी प्रकार धर्मी नेत्र के धर्मों अर्थात नील पीत रूप आदि विषयों के आलोचन में इन तीनों लक्षण परिणामों को समझ लेना चाहिए। अर्थात धर्मी नेत्र के धर्म नील आदि ज्ञान के प्रकट होने से पूर्व अनागत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। अनागत काल से वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लक्षण परिणाम है और वर्तमान काल से अतीत मार्ग में छिप जाना अतीत लक्षण परिणाम है।